Thank mm -hmm. you. नमस्कार साथियों मैं हूं अनुराग मिश्रा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं साथियों हम लोग जो आज बात करने वाले हैं उसको कहते हैं इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर सेवनटीन क्या पढ़ेंगे उसको जानने से पहले एक बार रिवीजन कराऊंगा आपको पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि छोटे छोटे तो वीडियो मुझे क्यों बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि मैं करीब चालीस पचास घंटे का एक इकोनॉमी एक का वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने काफी कुछ कवर किया लेकिन छोटे वीडियो बनाने का कार्य य था कई सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी डेटा यूज करने की वजह से या कहीं कोई पर्टिकुलर टॉपिक को करना है तो उसे सर्च करने में दिक्कत होती थी क्योंकि पूरा वीडियो देखना पड़ता था वो टॉपिक देखना पड़ता था इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़े हैं मुझको और दूसरी सबसे जरूरी बात आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक नोटबुक और एक पेन ले लेना है वो जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसको नोट करना है जो भी मैं चार्ट बनाऊंगा उसको नोट करना है जो भी मैं डायग्राम बनाता हूँ उसको भी आपको चाहे कैसा भी बनता हो आप बनाना है जिससे क्या रहे आपका जो सब्जेक्ट है कन्फ्यूजन जो होते हैं वो दूर होते रहते हैं क्योंकि एक बेस्ट नोटबुक आपको तैयार करना है ठीक है अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो मज़ा थोड़ा कम आएगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आप भी थोड़ा मेरे साथ मेहनत करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आनंद आएगा आप लाभ ले सकेंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक करना ना भूलें और शेयर करना न भूलें क्योंकि मैं मुझे पता है मुझे आजकल आप लोगों की बहुत जरूरत है क्योंकि मेरा जो चैनल था वो हैक कर लिया गया था इसलिए मुझे नए सिरे से शुरुआत की है और मुझे लगता है कि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा जिस तरह से पुराने वाले चैनल पर मिला था और उम्मीद है चलिए तो देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चूँकि है आपका चैप्टर सेवनटीन जिसमें बात करेंगे नीति आयोग के बारे में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में ठीक है तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे उसको थोड़ा सा एक नज़र हम डाल लेते हैं क्या क्या देखने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में इसकी स्थापना कब की गई थी नीति आयोग क्या है योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना करने का कारण क्या था नीति आयोग की विशेषताएं क्या है नीति आयोग के उद्देश्य क्या है नीति आयोग के कार्य क्या है नीति आयोग की संरचना के बारे में बात करेंगे नीति आयोग तथा तो योजना आयोग में अंतर थोड़ा सा जानेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है दोनों में अंतर तो चलिए फिर चैप्टर की ओर पढ़ते हैं तो नीति आयोग पहले तो हम देखते हैं कि नीति आयोग मतलब क्या है जो नीति जो बनाया गया एन आई टी आई तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है तो इसका एन आई टी आई ये इसको बना दिया है नीति ठीक है और आयोग हमने एक्स्ट्रा अपनी अलग से जोड़ा है ठीक है तो आई देखते हैं इसकी स्थापना एक जनवरी 1915 सौ सॉरी एक जनवरी 2015 में हुई थी किसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर यानी कि एक जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी योजना आयोग का अंत करके या योजना आयोग के स्थान पर ठीक है इसका पूरा नाम मैंने क्या बताया था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ठीक है इसका पूरा नाम है यह आयोग राष्ट्रीय विकास का क्या करता है एजेंडा तैयार करता है ये क्या होता है उसको मैं आके क्लियर करूंगा ठीक है तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना क्यों करनी पड़ी किन कारणों से करनी पड़ी उसके बारे में हल्की सी जानकारी लेते हैं तो भारत जो था जब नीति योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी भारत जो था उस समय से और इस समय में क्या हो गया था काफ़ी बदल गया था और जो योजना आयोग की जो नीतियां थी वो उसी आधार पर चल रही थी जब 1950 में या कहीं उन्नीस में जब इसकी स्थापना की गई थी या उन्नीस सौ के बाद जो भारत देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जो नीतियां चलती आई उन्हीं को ही ये क्या कर रहा था धक्का मार के खींच रहा था यानी कि बहुत स्थिति खराब कर रखी थी कोई ख़ास ज़्यादा असर नहीं दिखाई पड़ रहा था योजना आयोग का क्योंकि उसकी कोई खास ऐसी नीतियां नहीं थी जिससे भारतीयों को कोई खास लाभ प्राप्त हो सके तो ऐसी कुछ कमियां देखकर वैसे योजना आयोग की अगर खासियत की बात की जाए तो उसने भी बहुत से काम किए जिनको हम कभी बाद में पढ़ेंगे तो ये कुछ कमियां थी इसकी इसके कारण इसको करना पड़ा तो क्या पहले से तो भारत में पहले से जनसंख्या क्या थी अधिक होना यानी कि जब नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग की स्थापना की गई थी और जब नीति आयोग की स्थापना की गई थी, तो उससे लेकर इस समय तक में क्या था जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी हो चुकी थी उनकी जरूरतें थी वो बढ़ चुकी थी उनका जो आकार था वो इनका जो भी था वो क्या हो गया था बढ़ चुका था ठीक है आर्थिक परिवर्तन और भारत का आर्थिक आकार यानी कि भारत देश में क्या था पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया था क्योंकि मैं आप लोग बताया था नई आर्थिक नीति के तहत तो भारत देश क्या था एक नई राह पर पहुंच गया था जैसे कि आपका उदारीकरण निजीकरण, और वैसी जैसी कुछ दिशा रास्ता और मंजिल के आधार पर हमने उनको बांटा था तो इस तरह से कुछ नीतियां भी थी उनका क्या कर दिया था नए नीतियों को लागू कर दिया था इससे क्या था भारत में आर्थिक परिवर्तन हो गया था और भारत का जो आर्थिक आकार था उसका भी क्या हो गया था विस्तार हो गया था जब भारत देश आज़ाद हुआ तो वह खाने के लाले पड़े हुए थे भारत देश की जगह जगह से कुटाई हो रही थी जैसे कि पाकिस्तान कभी कभी घुड़की देने लगता था कभी भारत चीन हमें धमकी दे भाग जाता था कभी चीन हमारी पिटाई लगा के भाग जाता था कभी पाकिस्तान हमें पीछे से हमला करके हम पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा कर मारते थे तो इस तरह से क्या थी हमारी स्थिति बहुत गंभीर थी यानी कि हमें डॉक्टर की जरूरत थी जो कि हमें उन्नीस में एक डॉक्टर दिया भी गया था उसके आधार पर हमें सुई लगाई गई और हमारा जो आर्थिक परिवर्त, जो भी थी, उसमें परिवर्तन ढांचा पर था इसी तरह से भारत में आर्थिक आकार और आर्थिक परिवर्तन हो चुका था इसलिए हमारा योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना करनी पड़ी जो कि नई नीतियों को नई सोच को क्या करता हो प्रदर्शित करता हो ठीक है निजी क्षेत्र से पहले क्या थी निजी क्षेत्र की पहले से अधिक भूमिका भूंग होना जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं जब शुरुआत में जब भारत देश आजाद हुआ तो हमने क्या खाई थी मुंह की खाई थी किसकी मुंह की खाई थी यानी कि अंग्रेजों के मुंह की खाई थी या हम ऐसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों की झूठन पे काफी समय तक हम पल पले बड़े और हमने अपना सारा जीवन चक्र वहीं से ही हम पूरा कर पा रहे थे जैसे कि हम यहाँ से क्या करते थे भारत देश से अंग्रेज उनके देश में जाकर पढ़ते थे जैसे अमेरिका में या फिर कहीं और जाकर पढ़ते थे तो वहाँ से हम क्या करते थे उनकी झूठन चाट कर आते थे और भारत देश में हम क्या करते थे ज्ञानी कहलाते थे जैसे कि आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए दादा भाई गए इस तरह से क्या लोग थे ये वहां से पढ़कर आए हो भारत देश में हमने क्या किया अंग्रेजों को खदेड़ दिया बाहर और जब अंग्रेजों को बाहर खदेड़ कर बाहर भेज दिया तो हमें क्या अंदर दिल में हमारे दिल में दर्द था किस बात का कि हमें दूसरे लोगों ने मारा पीटा कहाँ से छः से सात हज़ार किलोमीटर दूर से आए उन लोगों ने हमें मारा पीटा कूटा और हमारी बजाई तबीयत से तो हमें क्या था अंदर से दर डर बैठ गया था कि पता नहीं कौन से विदेशी को हम घर में अपने जगह दे, दे दें और वो क्या था नौकर से मालिक बन बैठे तो हमारी जो नीतियाँ क्या थी शुरुआत में समाजवादी थी समाजवादी यानी कि राज्य पर आधारित अर्थव्यवस्था थी यानी कि इसमें निजी क्षेत्र की जो भूमिका थी या फिर देश दूसरे देश से क्या थे किसी भी तरह का हमारा कोई लेन देन नहीं था और निजी क्षेत्र की भूमिका कैसी थी बिल्कुल न के बराबर थी यानी कि थी भी तो बहुत बहुत कम थी ठीक है समझा गया तो निजी क्षेत्र की पहले भूमिका कैसी थी बहुत कम थी लेकिन उन्नीस के बाद में निजी क्षेत्र की जो भूमिका थी वो बढ़ जाती है इसलिए क्या था भारतीय एक तंत्र जब पूरा बदल गया था तो उसमें क्या थी योजना में भी बदलाव लाना था तो ऐसी योजना लानी थी जो कि क्या करती हो हमें एक नई को प्रदर्शित करती थी इसी के आधार पर हमने योजना के आयोग के जगह हमने किसकी स्थापना करवाई नीति आयोग की स्थापना करवाई इसके बाद अर्थव्यवस्था में देश के राज्यों की भूमिका अर्थव्यवस्था में देश के राज्यों की भूमिका पहले क्या था कि जो योजना आयोग जब लागू कर दी थी तो योजना आयोग क्या थी योजना आयोग केंद्रीय के रथ को भाव देती थी या तवज्जो देती थी योजना आयोग समझ रहा ना बात को इसमें राज्यों से हम सलाह मशवरा नहीं करते थे यानी कि मान लीजिए ये सारे मान लीजिए एक पूरा देश बना हुआ है तो इसमें क्या है ये पूरा अगर देश बना हुआ है तो कैसे बना है उनतीस राज्यों से मनाया बनकर मना उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार उड़ीसा बंगाल कर्नाटक आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश असम मिजोरम मणिपुर मेघालय जम्मू कश्मीर गुजरात राजस्थान आपका इस तरह से आपको पता है ना तो इस तरह से क्या था हमारे बहुत सारे राज्यों से मिलकर जब एक भारत का निर्माण हुआ है या कहें भारत जो है राज्यों का संघ है तो इसका मतलब यह है कि हमें राज्यों को भी क्या देना चाहिए थोड़ा बहुत अधिकार देना चाहिए और वो क्या करे भारत देश में उसकी भी भूमिका क्या की जाए सुनिश्चित की जाए क्योंकि भारत देश में सभी राज्य क्या करते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं तब क्या कर पाते हैं वो एक देश का निर्माण कर पाते हैं तो जो योजना आयोग थी वो क्या करती थी केंद्रीकृत को भाव देती थी राज्यों को कोई को खास तवज्जो नहीं देती थी इसलिए क्या करना था हमें उसमें परिवर्तन करना था समझ रहे तो हमें क्या करना था किसी भी राज्य की भूमिका क्या करनी थी सुनिश्चित करनी थी हर राज्य की जैसे सभी राज्य मैंने बताया इस तरह से चलिए सॉरी <coughs> तकनीकी परिवर्तन कर दिया गया था आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से भारत देश जो था विकास की दौड़ विकास की जो राह पर दौड़ रहा था और जब विकास की राह पर जब दौड़ने लगा तो हमें क्या करना था हमें उसमें बदलाव करना था क्योंकि हमारी जो तकनीकी सम विकास था वो बहुत अधिक हो चुका था तो जो योजना आयुक्त थी उस तकनीकी आधार पर देश का विकास नहीं कर पा रही थी या वो अपने आप को ही विकसित नहीं कर पा रही थी इसलिए क्या था जब समय के साथ कोई विकसित नहीं होता है तो उसको मर जाना या फिर समाप्त हो जाना पड़ता है जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपका लोकिया नामक मतलब नोकिया नोकिया नामक एक फ़ोन हुआ करता था वो समय के साथ नहीं बदला और वो पर नहीं आया तो वो क्या था विलुप्त हो गया और विलुप्त होने के बाद फिर अगर दोबारा एंट्री मारता है तो मैंने जो की एंट्रियां और दिल में गजी बजी घंटियां वो बार बार नहीं बज पाती हैं एक बार में ही घंटी बजती है बार बार नहीं बज पाती है समझाने बात में कभी गलती से बज जाए तो वो गलती तो गलती होती है तो हमें बार बार चांस नहीं ले सकते इसलिए क्या करना पड़ा हमने जो एंट्रियाँ थी वो किसकी करवाई हमने नीति आयोग की करवाई और आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत देश में जब नीति आयोग की स्थापना हुई है तब से अब तक में कितना अंतर आया है अब ये बात अलग है कि कुछ कीड़ों को ये विकास ये जो तरक्की ये जो भारत देश में जो शांति है वो माहौल अच्छा नहीं लगता है जैसे कि आपकी कुछ पार्टियां हैं गिनी चुनी कुछ समुदाय हैं गिनी चुने जो कि धरती पे बोझ और पूरी दुनिया में कीड़े मकोड़ों की तरह हैं तो इस तरह के कुछ धरती पर बोझ होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि भारत देश किस तरह से तरक्की पर अब जैसे मान लीजिए कोई देश है हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या आगे देता है सर्वोच्च सम्मान देता है तो वो क्यों देता है भैया वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए देता है कि भारत जो है वो महान शक्ति बनने वाला है या कहीं एक शक्ति बनने वाला है यानी कि एक सुपर पावर बनने वाला है दुनिया में पहले या दूसरे नंबर पर पहुंचने वाला है तो हम क्या करते हैं गिड़गिड़ाते हैं किसके सामने भारत के सामने और हम बड़े बड़े पदक और बड़े बड़े सम्मान किसको देते हैं जो कि हमारा भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है जिसको हम माननीय नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं तो यह बात आपको पता होनी चाहिए जैसे कि आपके कोई मुस्लिम कंट्री है तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारत एक मुस्लिम राष्ट्र नहीं है बल्कि हिंदू राष्ट्र माना जाता है भले ही हमारे संविधान में न लिखा हो क्योंकि शर्म आती है हिंदू राष्ट्र कहलाने में तो यह बात अलग है तो क्या है कि क्या, क्या कोई मुस्लिम कंट्री है वो भारत देश को पसंद करेगा या कहें वो उसके साथ क्या करना चाहेगा उसको क्यों देगा ये सम्मान सर्वोच्च सम्मान तो वो सिर्फ इसलिए देता है कि भैया भारत जो है वो एक सुपर पावर बनने वाला है या एक शक्ति बनने वाला है जो अगर शक्ति बन गया तो अभी से ही भैया अपनी जगह जो है सुनिश्चित कर लो पता चले कि बाद में भारत के यहाँ सीट फुल हो जाए और हमें वहाँ जगह न मिले इसलिए हमारे जो लोग हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्होंने हमारे देश का कुछ कीड़े धरती पर बोझ में कहता हूँ उन्हें ये भी नहीं समझ में आता है कि भारत देश का कोई प्रतिनिधि या किसी दूस देश में उसको सम्मान मिलता है तो उन्हें कलेजे में ठंडक पड़नी चाहिए न कि उनके पिछवाड़े में जलन होनी चाहिए प्रधानमंत्री है वो क्या करते हैं वो हमारे भारत देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं तो अगर कोई कुत्ता है कोई कीड़ा भी है और भारत देश का गुण गाता है तो हमें क्या करना चाहिए उसको आगे बढ़ाना चाहिए चलो कोई तो आगे बढ़ा रहा है ना तो हमें हर व्यक्ति को

ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं जैसे वो ये दर्शाना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारत देश है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए करते करे भारत देश एक मुस्लिम कंट्री बन जाए तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं ध्रुवीकरण का मतलब सारा का सारा जो माल है वो एक ही जगह जाए यानी कि वो एक मोबीसी जैसे कीड़े जो है वो ये कहना चाहते हैं कि भारत देश जो है वह किसके द्वारा चलता है मुसलमानों के द्वारा ही चलाया जाता है सारे के सारे शहीद जो है मुसलमानों के द्वारा क्योंकि हमें अंधे नहीं है हम हमने देखा था कि किस तरह से जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो हमने किस किस तरह से घाव देखे हैं तो वो सब सारे के सारे किसके दिन हैं वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए तो इस तरह से ये कुछ चीजें थी जो कि नीति आयोग से हमें किसमें वो योजना आयोग से हमें किस में, में परिवर्तित करने के लिए मजबूर करता है नीति आयोग में परिवर्तित करने को मजबूर करता है वैसे जो मैंने बोला वो आपको नहीं लिखना है और ना ही उस पर ध्यान देना है आपको जो ध्यान देना है वो जो मैंने यहाँ पर समझा है उसके बारे में यानी भारत में पहले से जनता का अधिक होना ये चार से पांच पॉइंट आप लिख सकते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग की विशेषता देखते हैं नीति आयोग की प्रमुख भूमिका जो थी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तरह तरह के नीतिगत मुद्दों पर क्या करना है केंद्र तथा राज्य सरकारों को जरूरी रणनीति तथा तकनीकी सलाह देने का है जबकि योजना आयोग क्या करती थी इस तरह की कोई भी तकनीकी सलाह आपको राज्यों को नहीं प्रदान कर पाता कर पाती थी क्योंकि अगर वो एक बाथरूम भी बनवाती है तो बाथरूम में लगभग लगभग लग 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 दस दस पाँच पाँच लाख रुपए खर्च करवा देती है तो अगर कोई लेट्रिन भी बनवाती है या कोई एक टॉयलेट भी बनवाती है तो उसमें बीस से तीस करोड़ रुपए तक खर्च करवा देती है तो ये स्थिति थी आपकी योजना आयोग की जबकि भारत देश में किसी गरीब के लिए जब रुपए आवंटन किए जाते हैं तो हम 10 से बारह हजार रुपए ही किसी को गरीब को किस के के लिए लिए दे पाते हैं हैं बाथरूम बनाने के लिए, बनाने के तो आप लगा सकते कि ये कितनी भ्रष्ट और गंदगी हो चुकी थी इसके अंदर योजना आयोग के का, के अंदर इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ा इसको उखाड़ के बाहर फेंकना था मतलब उसमें सुधार करना था उसको बाहर नहीं फेंका हमने उसके आधार उसके नए रूप में परिवर्तित कर दिया किस नाम से नीति आयोग के नाम से ठीक है चलिए तो नीति आयोग की प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व की तरह तरह के नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्यों को राज्य सरकारों को क्या करना था जरूरी रणनीति और तकनीकी सलाह देने का कार्य आपका नीति आयोग का है इस आयोग में इस आयोग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री चाहे वो किसी भी राज्य के हो चाहे जम्मू कश्मीर के हों चाहे हिमाचल प्रदेश के हों चाहे आपका आपका पंजाब के हों चाहे राजस्थान के हों किसी भी राज्य के हों सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की इसमें प्रमुख भूमिका होती है किसमें अब निजी क्षेत्र के भैया विशेषज्ञ कौन से हैं मान लीजिए मैं कोई अर्थशास्त्री हूं बहुत बड़ा तो मैं क्या हो गया उस क्षेत्र का क्या हो गया एक विशेषज्ञ हो गया या मान लीजिए कोई और व्यक्ति है किसी और क्षेत्र का जैसे कि कृषि से जुड़ा हुआ कृषि संबंधित कोई विशेषता रखता है उसके बारे में बहुत विशेष ज्ञान रखता है तो वो क्या हो जाएगा वो उसका विशेषज्ञ माना जाएगा तो हम उनका क्या करते थे उनकी हम क्या करते थे हम उनकी मदद लेते हैं किसके तहत तहत आपके आयोग आयोग के तहित. इसके यह मजबूत करता करता है जबकि योजना आयोग क्या करता था को केंद्र, को था को को ज्यादा केंद्रीयता देता यानी कि ना, तो ये किसी भी से लेता था, और ना ही उसको कोई खास मदद कर पाता था बल्कि निजी क्षेत्र की तो इसमें न के बराबर भूमिका थी इसलिए जो योजना आयोग है वो किसको सरकार को या केंद्र स्तर पर ज्यादा तवज्जो देता था और राज्य के जो संघीय ढांचा था उसको मजबूत नहीं कर पाता था भाई या संगी ढांचा का मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत देश जो बनता है वो राज्यों का संघ बोला जाता है यानी कि राज्यों के संघ से मिलकर एक भारतीय संघ बनता है ठीक है समझ में आ गया नीति आयोग के उद्देश्यों के बारे में बात अगर कर ले तो सशक्त राज्य से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है मान लीजिए ये सारे मान लीजिए एक भारत देश का पूरा निर्माण होता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे राज्य हैं ये मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं और ये सारा संघ मिलकर एक पूरे भारत देश का निर्माण करते हैं तो अगर इनमें से कोई भी अंग जो है मान लीजिए उत्तर प्रदेश है कमजोर है मान लीजिए राजस्थान है मान लीजिए कमजोर है मान लीजिए आपका जम्मू कश्मीर है वो कमजोर है पर कोड़ा लग गया था जो कि आपका तीन धारा तीन को हटा के उस कोड़ को समाप्त कर दिया गया जो कि पाकिस्तान नामक बीमारी उसको क्या कर रही थी उसको चूस रही थी उसको समाप्त किए हुए दे रही थी तो इस तरह से हमारा अगर कोई राज्य है या कोई क्षेत्र है या फिर कोई जिला है या कोई गांव है तो अगर वो कमजोर है तो इसका मतलब है हमारा एक सशक्त राष्ट्र यानी कि एक मजबूत राष्ट्र यानी कि एक मजबूत भारत का निर्माण जो हमने देख रखा है उसका निर्माण नहीं हो सकता तो उसके लिए क्या करना चाहिए अगर मान लीजिए जो जो है 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 मान लीजिए कोई कोई धरती पर बोझ वो वो ये कहता कि कि भारत देश में कोई राज है, वो सिर्फ लोगों के लिए सबसे हो और नहीं करते है, क्या करते हैं हम संघवाद को मजबूत करते हैं सशक्त राज्य की बात करते हैं यानी कि सारे राज्यों को क्या होना चाहिए समान अधिकार मिलने चाहिए सारे राज्यों को क्या होना चाहिए समान आर्थिक सुविधा मिलना चाहिए सारे राज्यों के लिए क्या होना चाहिए सभी राज्यों को उतना ही मजबूत बनाना चाहिए जितना कि गोवा बन गया है या मान लीजिए कोई दिल्ली बन गया है मतलब मजबूत बनाना चाहिए कोड़ या बीमार नहीं बनना चाहिए जैसे दिल्ली बीमार हो चुका है प्रदूषण से बहुत ग्रसित है तो बीमार नहीं क्या करना चाहिए विकास करना चाहिए हमें क्या करना चाहिए क्वालिटी के बारे में बात करना चाहिए समझ रहे हैं ना बात को तो हम कैसे बना पाएंगे मान लीजिए दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है क्या किसी भारतवासी को ये अच्छा लगेगा क्या दिल्ली में हम सांस नहीं ले पा रहे हैं तो क्या ये किसी भारतवासी को अच्छा लगेगा तो एक सशक्त देश का निर्माण कब हो सकता है जब हमारे सभी जो अंग हैं वो क्या होंगे सारे के सारे सशक्त होंगे यानी शक्तिशाली होंगे उनमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं हो किसी भी तरह का उसमें कोई रोग नहीं हो किसी भी तरह की उनमें कोई परेशानी नहीं हो किसी भी तरह का कोई आर्थिक परेशानी नहीं हो किसी भी तरह का कोई भारतीय जो है वहां पर कमजोर या दबा पिछड़ा या फिर सताया हुआ नहीं होगा, तभी हम, हम जबकि हमारा योजना आयोग क्या करता था वो इसका उल्टा कर पा रहा था क्योंकि जब हम किसी दूसरे की बात करते थे तो दूसरे को हम भेदभाव करके क्या कर सकते हैं चलिए आगे समझेंगे योजना आयोग के बारे में अभी हम यहाँ पे दूसरा उद्देश्य देखते हैं सहकारी संघवाद को क्या करता है मजबूत करता है सहकारी का मतलब होता है एक दूसरे की सहायता करना भैया मान लीजिए राजस्थान में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ जाती है क्योंकि वहां पर थोड़ी सी बरसात थोड़ी कम होती है इसलिए कभी कभी पानी से संबंधित कोई परेशानी आ सकती हैं तो हमें ये हमारा ये फर्ज बनता है उत्तर प्रदेश नामक देश का वो राज्य का या फिर उत्तर प्रदेश नामक सॉरी मध्य प्रदेश नामक राज्य का कि हम उसकी सहायता करें तो एक दूसरे के साथ क्या करें प्रेम बनाए रखें प्रेम भाव बनाए रखें नहीं तो ये नहीं कि बिहार नामक राज्य का कोई व्यक्ति जाकर मुंबई में जाकर बस जाता है तो उसको जलील कर कर बेज्जत करके भगाया जाता है कि वहां के कुछ मराठी लोग ये कहते हैं कि आमीछा छोड़ो मराठी में कुछ नहीं बोलूंगा मराठी लोग ये कहते हैं कि भैया कि जो महाराष्ट्र है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का

होनी चाहिए नहीं तो कुछ धरती पे बोझ या फिर कुछ बीमारी ये कहती हैं कि तुम हिंदू हो और तुम मुसलमान हो तुम वो हो और तुम वो हो इसलिए हम वो नहीं कर सकते और तुम वो कर सकते हो इस तरह की जो चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए समझ में आ रहा है तो हमें क्या करना है एक दूसरे का सहयोग करना है चाहे फिर वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे फिर वो सिख हो चाहे फिर वो ईसाई हो चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हो चाहे मध्य प्रदेश का हो चाहे नागालैंड का हो चाहे फिर वो तमिलनाडु का हो जिसकी भाषा मैं नहीं जानता हूँ मेघालय का हो जिसकी भाषा मैं, मैं उनसे तो क्या करेंगे हम, प्रे भाव, प्रे भाव रूप में हम उससे अपनी बातों को पह, पह, पहुंचा सकते हैं तो यही एक भारतीय क्या होगा यही कौन बनाता है यही हमारे नीति नीत आयोग का क्या है एक उद्देश्य है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं और भी का, काफी उद्देश्य जिनके बारे में हमें बात नहीं करनी है बुक में आप टी पूल्तान मन के मतलब टीप सकते हैं उसमें अगर कोई आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है तो आप किसी बुक से जाकर दो रुपए वाली बुक को चूरन छाप बुक ला सकते हैं और उसमें से ऐड कर सकते हैं चलिए तीसरा देखते हैं ग्राम स्तर पर योजनाओं को बनाने के तंत्र को विकसित करना मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर सशक्त भारत का निर्माण करना है तो आपको पहले राज्य को, को सशक्त करना होगा फिर आपको जिले को करना होगा फिर गाँव को करना होगा तो हमें क्या करना होगा ये जो करना होगा वो क्या करना करना हुआ बिल्कुल भैया गलत हुआ पहले हमको राज्य को सशक्त नहीं

योजना बनाने की क्षमता आ जाएगी तो गांव क्या करेगा अपनी योजनाएं बना सकेगा तो किसी के सामने वो हाथ नहीं फैलाएगा तो कोई भी गांव का व्यक्ति बिहार का मान लीजिए कोई बिहार के गांव का व्यक्ति हमें किसी के जाकर तल मतलब किसी के यहाँ की दया की जरूरत पड़ेगी जो हमें धमका सके या फिर हमें बेइज्जत कर सके हमें जलील कर सके चाहे फिर वो गुजरात हो जाए चाहे महाराष्ट्र हो जाए चाहे फिर दिल्ली में एक कोई अभी बोल रहा था कि बिहारी लोग आते हैं और हमारा यहां से इलाज करवा ले जाते हैं तो ऐसी छोच वालों के लिए आखू वह

एक पूरे राष्ट्र का क्या हो जाएगा निर्माण हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग के कार्य देखते लेते हैं क्या क्या कार्य है इसके तो नीति आयोग जो है केंद्र राज्यों तथा अन्य सभी पक्षों को साथ लाकर विकास के रास्ते पर टीम इंडिया की तरह काम करे अब भैया टीम इंडिया की तरह कैसे काम करता है अब भैया मान लीजिए ये एक टीम इंडिया है टीम इंडिया में मान लीजिए ये कोई मुस्लिम क्या है कोई मुस्लिम क्या है कोई प्लेयर है ठीक है ठीक है यहां पर आ गया ठीक यहां पर कोई हिंदू है चाहे वो पंडित जी हो चाहे यादव जी हो चाहे ठाकुर साहब हो चाहे फिर अन्य कोई जातियां हो यहाँ पर मान लीजिए ये हो गई तो इसमें क्या हुई टीम इंडिया में हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई है सारे हैं ना इसके बाद उत्तर प्रदेश से भी है कोई बिहार से भी है कोई बंगाल से, से भी है कोई बिहार से भी है सॉरी पश्चिम बंगाल से भी है कोई उड़ीसा से भी है कोई असम से भी है कोई मेघालय से भी है कोई आपका जम्मू कश्मीर से भी है कोई कहाँ से है आप मान लीजिए तमिलनाडु से भी है कोई कर्नाटक से भी है कोई केरल से भी है कोई गोवा से भी है कोई आपका मान लीजिए गुजरात से भी है कोई राजस्थान से भी है कोई आपका जम्मू कश्मीर से भी है तो आपको क्या समझ में आ रहा है आपको ये समझ में आ रहा है कि टीम इंडिया है कैसे बनी है ये सभी लोगों से मिलकर बनी है तो हमारा जो नीति आयोग है उसको भी क्या करना है टीम इंडिया की तरह सबको साथ लाना है सभी बच्चों को चाहे वो हिंदू

का कोई परेशानी आ जाती है तो बाकी के सारे राज्य क्या करेंगे एक दूसरे से अपनी जमा पूंजी से या जिस भी तरह से मदद कर सकते हैं वो सारी की सारी क्या करेंगे हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो मैं फिर से बोल दूं नीति आयोग जो है केंद्र राज्यों तथा अन्य सभी पक्षों के साथ या पक्षों को साथ लाकर टीम इंडिया की या सॉरी एक मैं फिर से बोल दूं नीत नीति आयोग केंद्र राज्यों तथा अन्य सभी पक्षों को साथ लाकर विकास के रास्ते पर टीम इंडिया की तरह काम करें इसके लिए कुछ प्रमुख कार्य टीम आपके नीति आयोग को सौंपे गए हैं भैया कौन कौन से हैं और भी कई सारे हैं जिनके बारे में मैंने यहां नहीं लिखा है दो चार सिर्फ आपको दो चार ही याद करने हैं बाकी के आप क्या करेंगे इतने मैंने इसलिए लिख दिया कि मैं आप दस बताऊंगा तो मुश्किल से मुश्किल आपको तीन या चार याद रहेंगे तो इसलिए एक दो एक्स्ट्रा हमेशा लिखने चाहिए वो कहेंगे अरे भैया इतना हमको पढ़ा दिया हमको तो इतना याद भी नहीं होगा भैया सारा याद नहीं करना सारा आपका एग्जाम में भी नहीं आने वाला है उसमें से कुछ सीमित ही सीमित पोर्सन जो है उसमें से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं तो हमको थोड़ा सा आना चाहिए कि उसमें तो आएगा

मैंने कहा आत हुए योजना जो कुछ ऐसी कमियां थी तो योजना आयोग की कुछ आलोचना तो हमने कर दी अब भैया कुछ उसके बारे में भी तो बता दो भैया कुछ उसने अच्छे काम किए कि नहीं तो वो अच्छे काम बताना आपका समालोचना हो गया यानी कि अच्छी चीज़ों के साथ उसमें कमियों को निकाल फेंकना यानी मान लीजिए हमने पेन बनाया पेन के बारे में कहा कि भाई साहब पेन से हमने थोड़ा सा लिखा अब ये पेन लिख तो रहा है लेकिन भाई साहब इसकी जो रबड़ है ना ये रबड़ इसकी जो है कभी कभी ये सच पिलपिला जाती है पिलपिला मतलब ढीली हो जाती है

बाकी को जो पेन है आपका वो बहुत टनाटन है एकदम अब अगर हम दोबारा इसको खरीदेंगे तो ये सेलोग्राफर का ही पेन खरीदेंगे इसलिए हम क्या करते हैं 100 दो सौ इकट्ठे पेन खरीद के ले आते हैं इसलिए हमको सेलोग्राफर का बहुत अच्छा पेन लगता है ये बात क्या हुई आलोचना और समालोचना हमने दोनों के बारे में बता दी जो कमियाँ थी हमने उसको दूर करने के लिए आपको जानकारी भी दे दी आलोचना भी कर दी भैया कि ये आपका जो गड़बड़ है ना थोड़ा सा बाकी पेन तो बहुत अच्छा है आपका सस्ता भी है टिकाऊ भी है माल एकदम फेंक देते हैं तो टूटता नहीं है ये इस तरह से तो ऐसे क्या है मान लीजिए कोई निकाय कार्य कर रहा है मान लीजिए कोई विभाग है उसमें कोई काम कर रहा है तो जो मोदी जी मान लीजिए कोई काम करते हैं तो कुछ जो भौंकने वाले होते हैं वो तो भौंकेंगे ही क्योंकि उनका काम काय के लिए बनाया गया है सिर्फ भौंकना और कुछ लोग क्या करते हैं आलोचना तथा समालोचनात्मक निकाय के आधार पर क्या करते हैं उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए उन्हें थोड़ी सी राय देते हैं कि सरकार ये वाले जो कमी है ये वाली आप दूर कर लेंगे तो आप परफेक्ट मैन बन जाएंगे तो इस तरह से दोनों कार्य हो जाएंगे क्षेत्रवार रणनीति क्षेत्रवार भैया उत्तर प्रदेश ये सब वो सब जितने भी राज्य हैं तो हम क्या करेंगे सभी के आधार पर क्या करेंगे रणनीति बनाएंगे भैया क्या है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा क्या है एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा गड़बड़ है थोड़ा वहाँ बेरोजगारी ज्यादा है थोड़ी सी गरीबी ज्यादा है तो उसको बारे में क्या किया जाए कि इनके बारे में थोड़ी सी कमी है इनको भी थोड़ा सा कम किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी सी उस हिसाब से राजनीति वो रणनीति बनाएंगे इसके बाद देख रहे हैं भाई साहब तमिलनाडु में थोड़ा सा स्थिति सही है वहाँ पे थोड़ा टेक्नोलॉजी वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पर उस आधार पे बनाना चाहिए तो वहाँ पर से थोड़ा पैसा भी ज़्यादा आ रहा है इस तरह से भैया चलिए यहाँ के दोनों के बारे में बन गई है यार ऐसा है जो हमारा रणनीति बनानी है कौन सा राज्य है चे मान लीजिए जम्मू कश्मीर है जम्मू कश्मीर पर यार आतंकवाद खूबसूरत तो बहुत है लेकिन यहाँ पर आतंक बहुत है जे कहा जाता है ना जैसे हमारी पड़ोस में एक अंकल है अंकल की बीवी जो है बहुत खूबसूरत है तो ये कहते हैं कि हमारी बीवी खूबसूरत तो है लेकिन क्या करती है कभी कभी गुस्सा कर देती है बहुत ज्यादा तो वो कहते हैं कि हमारी जो बीवी है खूबसूरत तो बहुत है लेकिन आतंक बहुत है इसमें तो हमारी जो कश्मीर है ना जम्मू कश्मीर उसमें खूबसूरत तो बहुत है लेकिन आतंकवाद के कारण वहां जो कुछ कीड़े हैं उसमें आतंकवाद जैसी कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं उसके कारण जो कभी कभी कश्मीर में थोड़ा सा डर लगने लगता है पता चले कौन अल्लाह का बंदा आए और अपने ऊपर बम्ब लगा के आ जाए और हम तो कश्मीर के जो वादियों के नजारे लेने गए थे लेकिन हमारा क्या हो जाए हमारा तो पूरा ही हो जाए तो कश्मीर के बारे में क्या करेंगे भाई साहब ऐसा करो कि उसके लिए कुछ ऐसी रणनीति बनाओ जो ये आतंकवाद जो है पूरा खत्म हो जाए ठीक है भैया ऐसी बनाते हैं खत्म करवाते हैं और पाकिस्तान से जितनों की रिश्तेदारी है उनकी भी खत्म करवाते हैं तो रणनीति बना दी क्षेत्रवार ठीक है चलिए क्षेत्रबार बन गई अब मान लीजिए कि हमने उत्तर प्रदेश के लिए भी बनानी है तो उत्तर प्रदेश के बारे में बनानी है उत्तर प्रदेश के बारे में क्या करना है कि ऐसा है मान लीजिए आपका लखनऊ तो बहुत विकसित हो गया उसके बाद सही हिसाब किताब है सही पैसा है राजधानी भी है तो उसका सही विकास हो गया मान लीजिए कोई शहर है मान लीजिए एटा पड़ता है यार थोड़ा सा उसका कम विकास हुआ है ऐसा करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी सही नीति बनाए उसमें थोड़ा सा बेरोजगारी थोड़ी सी ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए कुछ नीति बनाए तो ऐसे क्या होगा गया रणनीति और नीतियां कुछ बना सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं उसके बारे में हम कभी विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट देखते हैं विशेषज्ञता का एक जाल बनाना अब भैया विशेषज्ञता भैया का होती है ये तो विशेषज्ञता मतलब मान लीजिए हम किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं तो वहां का क्या करना है हमने उसको पकड़ लाना है उसको खींच लाना है जैसे क्या करता है कौन करता है अमेरिका करता है अमेरिका क्या करता है कि भारत देश से एकदम बढ़िया बढ़िया वैज्ञानिक छांट के जैसे हम सेब खरीदने जाते हैं ना तो बढ़िया बढ़िया एकदम चमकदार सेब खरीद के लाते हैं तो हम क्या करते हैं बढ़िया बढ़िया एकदम दिमागी जो सच में संसाधन होते हैं उनको कौन ले जाता है बिहार के कौन ले जाता है वो ले जाता है अमेरिका वहां पर क्या ले जाता है हमारे संसाधन को ले जाता है कौन विशेषज्ञता को कौन उठा ले जाता है अमेरिका ले जाता है क्यों अच्छा पैसा देते हैं अच्छा माहौल देते हैं अच्छी सुविधाएं देते हैं तो हमको क्या करना है जो विशेषज्ञता है उसका क्या करना है उसको हमें अपने मतलब उनको इकट्ठा करके एक जाल बनाना है यानी कि एक नेटवर्क बनाना है चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र का हो समझ रहे हैं ना तो इससे क्या रहेगा जब विशेषज्ञ कार्य करेंगे किसी के लिए तो वहां पर क्या रहेगा एक अच्छी मजबूत और टिकाऊ और कारगर साबित होने वाली क्या बनेगी एक योजना या फिर एक योजना या फिर एक रणनीति बनेगी समझ रहे ना? कुछ लोग सोच रहे होंगे कांच के गिलास में काहे नहीं पिया भैया पानी भैया हम घर में बैठे हैं अभी अपने हम स्टाइल मारने के लिए जब हम कभी दुकान पे पढ़ाने जाएंगे ना तो हम वहाँ पर भी एक कांच का गिलास मंगवा देंगे तो उसमें स्टाइलिश लगेंगे भैया कांच के गिलास में पानी पिया जाता है ठीक है तो अभी हमारे पास ये स्टील वाला ही है तो उसके लिए कांच का लाने के लिए अभी हमारे पास पैसे तो हैं लेकिन लाएंगे नहीं ठीक है तो हमको अभी दिखाना नहीं है कुछ चलिए आगे बढ़ते हैं क्षमता का निर्माण करना तो भैया मैं आपको बता चुका हूँ सभी का विकास करना इतना काफी है विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का भैया मैं आपको बता चुका था केंद्रीकरण होता है केंद्र से नीचे की ओर यानी कि केंद्र से फिर राज्य के लिए राज्य से शहर के लिए शहर से फिर क्या करेंगे गांव के लिए ऐसे यहां पर क्या करना है विकेंद्रीकरण यानी कि नीचे यानी कि नीचे से केंद्र की ओर तो हमको पहले क्या करना होगा पहले मजबूत करना होगा गांव को यानी कि ग्राम स्तर पर क्या करना होगा हमें नियोजन के लिए गांव को क्या करना होगा उनको सक्षम बनाना होगा जब वो अपने लिए योजना बना सकते हैं तो फिर क्या हो गे? एक हमेशा कहता हूं मैं सशक्त गांव से सशक्त जिला और सशक्त जिले से एक क्या बनेगा किला बनेगा और जब किला बन जाएगा तो एक सशक्त राज्य बन जाएगा और सशक्त राज्य से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा समझ में आ गया सहकारी तथा प्रतिस्पर्धी संघवाद का प्लेटफॉर्म बनाना सहकारी मैंने आपको बता दिया सरकारी नहीं बोल रहा हूं सहकारी सहकारी का मतलब एक दूसरे से प्रेम भाव रखना और प्रेम भाव रखकर हम क्या करें एक दूसरे की मदद करें और प्रतिस्पर्धी क्या है तो प्रतिस्पर्धी क्या होता है मतलब हम एक दूसरे के साथ क्या करें प्रतिस्पर्धा तो करें लेकिन हम एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं समझ रहे हैं चलिए राज्यों का केंद्र में सबसे अच्छा मित्र होना मतलब जो राज्य हैं उनको इस बात के लिए डर न लगे कि भैया जो केंद्र में है बीजेपी की सरकार आ गई और उत्तर प्रदेश में तो भैया समाजवादी पार्टी की सरकार है अब तो भैया हमको बहुत डरना चाहिए कि हमें जो जब हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहां पर पहुंचेंगे सरकार हमको बीजेपी वालों से कहेंगे केंद्र वालों से कहेंगे सरकार हमारा जो पैसा आने वाला था वो आपने अभी तक हमारा ट्रांसफर नहीं किया तो क्या कहेंगे केंद्र वाले अरे रुक जा अभी थोड़ा टाइम लगेगा हम दूसरे राज्यों को देंगे हम तुमको दे देंगे हमारे हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं है हम जब देंगे जब योगी जी की सरकार आ जाएगी तब तो हम टाइम पे भिजवाया करेंगे भी थोड़ा रख अभी भिजवाएंगे पहले हम जाए जिस राज्य में हमारी सरकार है ना हमें वहां पर भिजवाना है तो ये क्या है केंद्र में राज्यों का अच्छा मित्र होना यह महसूस कराना ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में साइकिल वाली पार्टी है या उत्तर प्रदेश में भैंस वाली नहीं भैंस वाली नहीं है शायद एक हाथी हाँ भैंस वाली नहीं हाथी वाली पार्टी है तो वहां पर क्या होगा वहां पर हमें घबराहट हो जाएगी क्योंकि आदमी क्या कहता है भैया कांग्रेस की पार्टी है कांग्रेस को लाओ केंद्र में कांग्रेस को जितवाओ तो अच्छा खासा भ्रष्टाचार कर पाएंगे अच्छा खासा घोटाला कर पाएंगे यार सब लोग घोटाला कराएंगे मजे रहेंगे हम नेता क्या कि के लिए बनते हैं घोटाला करने के लिए बनते हैं किसके राज्य में हम कांग्रेस के राज्य में तो जब तक कांग्रेस का राज्य था तब तक लोग भी नेता घोटाला करने के लिए बनते हैं बनते थे और वर्तमान में स्थिति है कि जो नेता बनते हैं वो विकास करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं नेता बनते हैं किसी मेरे साथी को तो उसकी परेशानी है उसमें कुछ नहीं कर सकता इसके लिए दवाई भी नहीं आती वैसे आता है कायम चूड़ अगर पेट में गुड़ गुड़ होती है तो कायम चूड़ ले सकते हैं सुबह आसानी से आपको हो जाएगी ठीक है तो इस तरह की चीजें आपको समझ में आ गई में कैसा होना चाहिए केंद्र में राज्यों का एक अच्छा मित्र होना चाहिए इस तरह की ये क्या करे नीति बनाए तो कैसा होना चाहिए नीति आयोग के ये कार्य है नेक्स्ट देखते हैं आखिरी राज्य स्तर पर योजनाओं को बनाने के तंत्र को विकसित करना वही बात है विकेंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण नियोजन यानी कि केंद्र नीचे से केंद्र की ओर का होना चलिए नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग की संरचना और देख लेते हैं भैया स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग यानी कि जो भी है इसका नाम तो ठीक तो है तो आप देख लेते हैं एक एक करके कैसे इसका स्ट्रक्चर है सबसे ऊपर कौन है हमारे जो इसमें हमारे जो अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं वो भी पदयन अध्यक्ष बोले जाते हैं पद्यन का मतलब है कि अगर आपका मान लीजिए पद्यन का मतलब ये है कि अगर आपका मान लीजिए पड़ोस में एक लड़का रहता है ठीक है तो लड़का रहता है तो लड़का कहता है कि ऐसा है हमारी बहन है तो हम आपका वो, वो लड़का कहता है कि हमें आपका साला बनना है वो कहता है कि हमें साला बनना है तो साले के लिए हम क्या करें भैया तो लड़का कहता है साला बनना है तो हम भैया तुमसे शादी करें तो तो साला नहीं बन पाएंगे तो कैसे करेंगे तो ऐसा करो हमको एक ऐसा करो जो हम अपने आप साला बन जाए तो ठीक है तुम्हारी बहन है वो हाँ भैया है हमारी बहन तो अपनी बहन से शादी करवा दो तो जैसे ही उसने हम अपनी बहन से शादी करवाई हम उसके साले बन गए तो साले बन कैसे गए साले बने कैसे जैसे ही वो हमारा क्या बन गया हमारी भी उनकी बहन हमारी पत्नी बन गई तो अब भैया ये उसने हमारे लिए साले के लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट तो बनवाया नहीं वो क्या बना उसका पदेन अध्यक्ष हो गया क्या थे? साले का पदेन अध्यक्ष हो गया वैसे क्या होता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जैसे ही प्रधानमंत्री बने वैसे ही नीति आयोग के क्या बन गए ऑटोमेटिक ही अध्यक्ष बन गए समझ रहा ना बात को तो ये जो क्या है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कहलाते हैं कौन कहलाते हैं प्रधानमंत्री तो इसके लिए कोई अलग से शपथ या अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ता है कि तीन आ... एक जगह खाली है नीति आयोग के अध्यक्ष के लिए तो आपको फॉर्म भरना होगा डेढ़ सौ रुपये फीस होगी ओबीसी के लिए सत्तर रुपए जर्नल के लिए छः सौ रुपए और जो एस सी होंगे उनके लिए शायद तीस रुपए और जो अन्य पिछले वो क्या बोलते हैं जो जनजाति लोग हैं उनके लिए फ्री होगा तो इस तरह से नहीं यहाँ पर क्या है ये कोई फॉर्म नहीं है यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री बने आपको अध्यक्ष का पद पद अपने आप मिल जाएगा ठीक है दूसरा जो है गवर्निंग परिषद में सभी मुख्यमंत्री केंद्रशासित प्रदेश के राज्य राज्यपाल तथा प्रशासक इसमें शामिल किए जाएंगे यानी कि गवर्निंग परिषद बनती है वो क्या होती है वो आगे हम लोग आप चर्चा करेंगे उसके बारे में गवर्निंग परिषद के बारे में गवर्निंग परिषद के बारे में चर्चा करेंगे तो गवर्निंग परिषद में सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या फिर प्रशासक जो शासित प्रदेश के प्रशासक कहे जाते हैं उन, वो इसमें शामिल होंगे विशेष आमंत्रित सदस्य अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ जिनमें प्रधानमंत्री क्या करें नामित करें मैंने बताया था कि कोई मान लीजिए पंक्चर जोड़ने का एक्सपर्ट है या मान लीजिए मैं पैर बनाने का एक्सपर्ट हूँ या मान लीजिए कोई कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है बहुत अच्छा ज्ञानी है और बहुत बड़े बड़े विकास के उनने कार्य किए हैं तो क्या करेंगे उनको उसमें शामिल किया जाएगा मान लीजिए खेल के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा तीर मतलब तोपची है मतलब उसने बहुत बड़े बड़े तीर मारे हैं या मान लीजिए बहुत बड़े बड़े छक्के मारे हैं जैसे कि हम हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले हमारे तेंदुलकर हैं तो या मान लीजिए कोई पदक लेकर आया है ओलंपिक में तो उनको हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के विशेष

जानकारी ले लेते हैं अंतर देख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है ठीक है तो आइए समझते हैं एक एक करके नीति आयोग की प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तरह तरह के नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को जरूरी रणनीति तथा तकनीकी सलाह देने की है फिर से बता दूं नीति आयोग के प्रमुख भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के तरह तरह के जो नीतिगत मुद्दे होंगे उन पर केंद्र तथा राज्यों को क्या करना है केंद्र तथा राज्य सरकारों को क्या करना है रणनीति तथा तकनीकी सलाह देने का कार्य किसका होता है नीति आयोग का होता है वहीं योजना आयोग की तरफ जाए जबकि जो योजना आयोग है इस तरह की कोई भी सलाह की क्या नहीं देती है सुविधा नहीं देती थी यानी कि इसकी जो प्रकृति थी वो केंद्रीकृत थी वो किसी भी तरह की किसी भी क्षेत्र को कोई सलाह नहीं देती थी वो कहता था राज्य से हमें कोई लेना देना नहीं है केंद्र स्तर पर जो है योजना बनेगी अपने आप राज्य स्तर पर पहुंच जाएगी राज्य उसको मानना चाहे हमें किसी से कुछ नहीं पूछना है राज्य को राज्य की मर्जी हो या फिर न हो नेक्स्ट देखते हैं नंबर दो है नीति आयोग मोदी सरकार के टीम इंडिया और सहकारी संघवाद के विचार का क्या है मूर्त रूप है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो थे जो कि हमारे हमारे क्या जिसके ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं मेरे दिल के लिए हीरा आदमी है ये क्योंकि इस दुनिया में मैंने अभी तक इन जैसा कोई नहीं देखा जिसने भारत देश के लिए कुछ सच में कुछ करना चाहा। करते बहुत सारे लोग हैं लेकिन निस्वार्थ भाव से इन्होंने बहुत कुछ किया है और वो वो इनाम दिए हैं भारत देश के भारतीयों को कि भाई मेरे सौ जन्म कुर्बान वो सौ नहीं निन्यानवे क्योंकि ये जो सोवा चल रहा है मेरा आ, मतलब सोबा है इसके निन्यानवे जो है वो इनके लिए है मेरे ये इसलिए है क्योंकि ये अभी आप लोगों के लिए दूंगा क्योंकि लोगों को मेरा मकसद है बहुत ऊंचे लेवल तक लोगों तक पढ़ाना बिल्कुल साधारण रूप से तो अगर उम्मीद रही अगर ये सपना है मेरा पूरा अगर हो सका तो देखूंगा अगर चलती रही इसी तरह से गाड़ी तो निन्यानवे जन्म इनको मैंने कुर्बान कर दिए है सोवा ये चल रहा है वो मैं अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए करूँगा जो यूट्यूबर जो पढ़ाते पढ़ोते हैं उनके लिए सपोर्ट अगर करना चाहूँगा तो करूँगा और जैसी भी जो भी चलेगी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा ठीक तो है तो चलिए देखते हैं नेक्ट तो क्या बताया मैंने मूर्त था किसके आपके प्रधानमंत्री जी का जबकि योजना आयोग की अगर बात की जाए योजना आयोग देश के विकास से संबंधित तो योजना बनाने का काम करता था और इसमें बारह पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक बनाई है ये क्या था यह टीम इंडिया की तरह कार्य करता था सहकारी और संघवाद के विचार का मूर्त रूप था जबकि यह क्या था ये आपका ये क्या करता था ये योजनाएं बनाता था किसके आधार पर विकास से संबंधित ठीक है इसने कितनी योजनाएं बनाई योजना आयोग ने बारह पंचवर्षीय योजनाएं बनाई नंबर तीन देखते हैं नीति आयोग में देश भर के सो संस्थाओं और विश्वविद्यालयों से क्या ली है सलाह ली जाती है किसमें नीति आयोग में मैं फिर से बता दूं नीति आयोग में देश भर के जितने सो संस्थान हैं जितने भी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं जितने बड़े बड़े अम... बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनमें शोध वगैरह किया जाता है या फिर कोई बड़े बड़ी उत्पादों का उत्पादन किया जा जाता है उनसे क्या किया जाता है उनसे सलाह वगैरह ली जाती है विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े जो कुलपति होते हैं या फिर बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं उनसे क्या ली जाती है सलाह ली जाती है उनके विशेषज्ञों से जबकि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री होता था लेकिन वह किसी से भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से कभी भी सलाह नहीं लेता था या कभी भी उसने सलाह नहीं ली और विशेषज्ञों तो भैया किसी से लेगा ही जब राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं ली तो भैया विशेषज्ञ से गाय की लेगा वो कहेगा भैया हम प्रधानमंत्री हैं पूरे देश के मालिक हैं तो किसी से भी कोई सलाह हम लेने वाले नहीं है जबकि नीति आयोग में क्या बताया नीति आयोग में देश भर के सभी शो संस्थाओं से आपको लगता है कि मुझे कोई विभाग में कार्य करना है तो हमें लगता है कि उसका विकास कैसे करना चाहिए

जो निजी क्षेत्र जो होते हैं उसमें किस तरह से विकास वो लोग करते हैं उसी तरह से अगर हमें लगता है कि भारत देश में कोई सरकारी क्षेत्र उसका विकास करना है मध्य मतलब बैंकिंग का ही विकास करना है प्राइवेट स्तर पर तो कैसे करना होगा तो इसकी आप सलाह ले सकते हैं मशवरा कर सकते हैं बैठ सकते हैं उनके साथ लेकिन आपका योजना आयोग का इस तरह का कोई भी मनसा नहीं थी ये हो गया आपका योजनाओं के बारे में यानी कि आर्थिक नियोजन के बारे में जो भी जानकारी थी ठीक है तो साथियों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा और जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा क्या इससे आप ले लाभ ले पा रहे हैं ये जरूर बताएं कमेंट करके जरूर बता दिया करो थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मैं आपके लिए अगर मेहनत करता हूँ तो आप सिर्फ दस सेकेंड बीस सेकेंड लगती हैं कमेंट करने में ठीक है तो चलिए फिर अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद और वंदे मातरम